नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भव्य भगवा स्वागत। भगवा रंग में रंग चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज भोपाल में ये भव्य स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक पोस्टर से पटे रास्ते पे ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मालाओं के घिरे हुए मालाओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी दफ्तर भोपाल में मौजूद है। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें महाराज और शिवराज, जी हाँ, इन्हीं नाम से दोनों को वहां पुकारा जाता है, महाराज और शिवराज बातचीत करते हुए। और महाराज और शिवराज के बीच भाई मेरे भाई, भाई। बातचीत इस वक्त चल रही है। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, कुछ ही देर में संबोधन होना है, लेकिन उससे पहले मंच पर दोनों बातचीत करते हुए। निश्चित रूप से भारत के गौरव शाली रहा है। 1967 का वर्ष था जब हमारे नेता जी, बड़ा दिलचस्प होता है इन सारी तस्वीरों को देखना जो दो राजनीतिक विरोधी रहे हैं और ठीक आमने सामने की टक्कर रही है। जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तब ये थोड़ी मालूम था कि सामने कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देगी। उस समय तो ऐसा ही लगता था कि यही महाराज यानी कि माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस अगर जीतती है तो महाराज और शिवराज की टक्कर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब देखिए, वही न होने के कारण आज वही महाराज बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ पर। अभी नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन चल रहा है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और मुरैना से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं उस पूरे क्षेत्र में। और उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि किस तरीके से वो भी उसमें निर्णायक रहे थे लेकर आने में ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो वो सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं एक एक जो भी सदस्य हैं, जो मंच पर मौजूद हैं, जो सारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको सबका स्वागत। सबसे पहला जो किसी वरिष्ठ नेता द्वारा भाषण है वो उन्हीं का है। और अब देखना है, ज्यादा दिलचस्पी इस बात की भी है मुझे अंजना कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ बैठे हुए हैं वहां पर तो क्या संबोधन दोनों का होना है या नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की चल रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस पूरे फंक्शन में, समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे। हालांकि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमने देखा है कि एक एक चीज का जायजा लेकर की सारी व्यवस्था होगी कि नहीं हो गई। दो बार उन्होंने दिन में यहाँ पर चक्कर काटा था और उसके बाद उनके आने से 45 मिनट पहले से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे थे और अलग अलग इलाके में बैठ रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन पूरा हो गया है और उन्होंने एक बार फिर स्वागत किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब देखना है कि अभी नारे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की के जो जितने भी मार्गदर्शक रहे हैं उन सब को लेकर उन सब का यहाँ पर उनके बारे में भाषण में सबका नाम शामिल किया गया है। और अब एक ऐसे दौर की ओर आगे बढ़ते हुए जहाँ पर अलग विचारधारा के लोग भी आ जाएं, बस आपकी विचारधारा को स्वीकार कर लें, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और इन नारों के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस अगला या एक और नंबर, चूंकि शिवराज सिंह चौहान भी क्या उनका स्वागत करते हैं या फिर नहीं करते हैं अंजना, और यही अब उम्मीद है नरेंद्र सिंह तोमर मंच से उस माइक से हटते हुए। और अब अगला नंबर देखते हैं किसका यहां पर आ रहा है। बिल्कुल, इसी का इंतजार रहेगा। माना जा रहा है कि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बोलेंगे उस पर नजर सबकी होगी। और आज तो पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी मध्य प्रदेश में यही देख और सुन रहे होंगे, क्योंकि सब ये देखना और सुनना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य आज बीजेपी दफ्तर से क्या बोलते हैं। लेकिन ये भी सवाल दिलचस्प है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आए मध्य प्रदेश में सरकार लाएंगे, उन विधायकों का क्या जो बगावती तेवर लिए बेंगलुरु में पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, किसका क्या होगा, इन सब पर नजर रहेगी। और आज तो मुझे लगता है श्वेता, जैसे भोपाल से लेकर दिल्ली तक सभी कांग्रेसी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जनसेना हमारे मध्य प्रदेश का दरोड़ा है। अभी सिंधिया जी मुझे रास्ते में कह रहे थे। तो चलिए, जैसे ही वहां पर भाषण देने के लिए ज्योतिरादित्य आते हैं, हम आपको सीधे लिए चलेंगे बीजेपी दफ्तर जहां पर भव्य स्वागत भोपाल में हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट से लेकर पूरी सड़क पर
लोगों का हुजूम था, कई जगहों पर चिन्हित करके मंच बनाए गए थे, यहां पर भव्य स्वागत हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये मेरे जीवन का कारण है। हाथ का साथ छोड़कर भगवा रंग में रंग चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में जोरदार स्वागत हुआ। इस ग्रैंड वेलकम के साथ ही साफ हो गया कि सिंधिया आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। हजारों लोग सिंधिया के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जमा थे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया समर्थक भी थे, जो दूर दूर से अपने नेता का हौसला बढ़ाने आए थे। आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूं कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस भी पार्टी में रहेंगे, ये कांग्रेस का एक कांग्रेस में थे तब भी हम उनके साथ थे, बीजेपी में हैं तब भी हम उनके साथ हैं। कांग्रेस में रहकर उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रही थी, जिसमें आप बीजेपी में आके वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करें। आपको विचारधारा लग रहा है बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद है और ज्योतिरादित्य के लिए तो बहुत इसलिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें काफी काम करने को मिलेगा जनता के लिए, देश के लिए, भारत के लिए। दिग्विजय सिंह का अंत हो गया है, कांग्रेस का अंत हो गया प्रदेश में। तो राज्यसभा साथ साथ दो कदम है खास, हमें है विश्वास महाराज और शिवराज साथ साथ। एयरपोर्ट से जब सिंधिया की सवारी निकली तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि ये मंच जो है कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता शावर आलम की तरफ से बनाया गया है, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद खुद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब वो भी भाजपा जाने की तैयारी में है और यह मंच उन्हीं की तरफ से बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो ये पहला मंच है एयरपोर्ट से निकलने के बाद जहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा, जहाँ पे उनका काफिला कुछ देर के लिए रुक। कार की छत पर बैठे ज्योतिरादित्य लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर का रास्ता करीब 40 मिनट का है, लेकिन समर्थकों के उत्साह ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। बीजेपी दफ्तर में प्रवेश के पहले ज्योतिरादित्य ने फूल बिछे रास्ते पर चलते हुए अपने पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर सबसे पहले वो माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके बाद ये माल्यार्पण किया। अब अगली तस्वीर जो है वो माधवराव सिंधिया की तस्वीर, जिसे खास तौर पर यहाँ पर लगाया गया है इन प्रतिमाओं के बीच। अब उस ओर बढ़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान, उनके ठीक बगल में नरेंद्र सिंह तोमर, पहले पुष्प वर्षा करते हुए माधवराव सिंधिया की तस्वीर पर और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीर की तरफ, जो राजमाता विजय राजे सिंधिया की है, जिनकी प्रतिमा हमेशा हमेशा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में रही है, क्योंकि सिंधिया राज परिवार का एक ऐसा नाम जो हमेशा से जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरह से जुड़ा। सियासत की रीति निराली है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब ज्योतिरादित्य बीजेपी के हो चुके हैं, जो लोग कल तक उनकी खिलाफत करते थे वो आज स्वागत में पलक पावड़े बिछा कर बैठे हुए थे। श्वेता सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। ये सियासत का दस्तूर है और इस दस्तूर के तहत हर कोई रंग बदलता है और रंग बदलते हुए कहां से कहां मिल जाता है, समा जाता है, पता भी नहीं चलता। तभी आज भव्य भगवा स्वागत आप देख रहे हैं। श्वेता वहां पर मौजूद है, बताइए क्या हो रहा है? जी अब अंधेर नगरी चौपट राजा के नारे लग रहे हैं अंजना, और अभी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो संबोधन कर रहे हैं और अब कमलनाथ पर पूरी तरीके से प्रहार किया जा रहा है। हालांकि ज्योतिरादित्य कमलनाथ से उतने नाराज नहीं थे जितने नाराज वो पार्टी आला कमान और दिग्विजय सिंह से थे। दिग्विजय सिंह की जो भूमिका इसमें रही है उसे लेकर सबसे ज्यादा मन में खटास रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। हालांकि हमें वो दौर भी याद आता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़े नेता का एहसास देने के लिए जब पहली बार यहाँ आए ज्योतिरादित्य तो नंगे पांव गए दिग्विजय सिंह। इतना बड़ा नेता नंगे पांव जा रहा है स्वागत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा के लिए, जिसकी राजनीति में कोई पैठ नहीं है, ताकि उसके मन में भी तो एक भाव आएगा कि देखिए इतना बड़ा नेता मेरे लिए नंगे पांव आया है, मैं महाराज हूं। और वो चीज क्या आज की तारीख में मेंटेन्ड है? नहीं। आज जब राज्यसभा में नॉमिनेशन की बारी आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली
प्रेफरेंशियल कैंडिडेट नहीं थे, पहले नंबर पर उनका नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं रहता बल्कि दिग्विजय सिंह का रहता, और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान शुरू हो गई। ये पहली लड़ाई की वजह नहीं थी, लेकिन हाँ लड़ाई की अंतिम वजह जरूर बनी, उस टूट की अंतिम वजह जरूर बनी, जिस कारण आज जब कमलनाथ यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार पे कोई आंच ना आए तो उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे करें, क्योंकि इतना फासला तो रहा ही नहीं था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आंकड़ों के हिसाब से। 107 पर भारतीय जनता पार्टी, 114 पर कांग्रेस और 7 में और लोगों का समर्थन, लेकिन अब तो बीएसपी एसपी किसी का समर्थन उनके साथ रहता नहीं। हाँ वो तीन निर्दलीय जरूर है लेकिन अपने साथ छोड़कर चले गए हैं, और वो जो साथ छोड़कर गए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के माने जाते रहे हैं हमेशा से ही, क्योंकि यहां पर अलग अलग गुट रहे हैं, दिग्विजय सिंह का अपना गुट, कमलनाथ का अपना गुट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना, वो तो अपने को लेकर निकल गए हैं यहां पर और आ गए हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा में रहे, सबको मालूम था कि 4 बजे के बाद उनका आगमन होगा, वैसे तो इस कार्यक्रम को लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन 1 घंटे से अधिक ये जो समारोह है वो चल चुका है और यहाँ पर अंधेरा घिराया है, इसीलिए आतिशबाजी भी इतनी रंगीन अलग से नजर आ रही थी यहाँ पर, लेकिन अब बस भाषणों का दौर है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का इंतजार है। तो ये सारे जो नारे अंजना बीच बीच में अचानक जो तालियां यहां पर शुरू हो रही हैं, ये मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे हैं। लेकिन एक इंतजार ये भी है श्वेता कि क्या आज ये स्पष्ट हो पाएगा कि महाराज तो आए शिवराज को मुख्यमंत्री बना पाए या नहीं पाए। क्या इस वक्त वहां पर हलचल इस बात को भी लेकर है, क्या कह रहे हैं जो वहां पर नेता है जो मौजूद है जिनसे आपकी बातचीत हुई होगी, और साथ ही क्या ऐसा कुछ मंच पर भी कहा जा सकता है। नहीं सब ऐसा मंच से तो बिल्कुल नहीं होगा अंजना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि अभी राज्यसभा की का फैसला नहीं हुआ है कि उस कौन निर्वाचित वहां से किया जाएगा, तो आपको ये नहीं नाराजगी मोल लेनी है कि पहले तो कांग्रेस में तो टूट हो गई अलग अलग गुट के अलग अलग समर्थकों में, लेकिन यहां भी तो शिवराज सिंह चौहान के बड़ी तादाद में समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो 13 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर मंच से होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर बीजेपी के लिए उल्टी खड़ी हो सकती है, इसीलिए इस चीज़ का तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि जब शिवराज सिंह चौहान से भी दिन में मैंने बात की और उनसे पूछा कि क्या करने वाले हैं आप लोग फ्लोर टेस्ट के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि अब असेंबली में सीधे सरकार को वहां पर गिराया जाए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर से जब मैंने सेम सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती से अपनी सरकार गिराएगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कुछ होगा, और उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे, यानी पार्टी की तरफ से एक रुख स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये बात अभी कोई भी बड़ा नेता सार्वजनिक तौर पर और मीडिया के सामने इस पर अपना रुख रखे कि बीजेपी क्या करने वाली है, मध्य प्रदेश में सरकार गिरेगी कांग्रेस की या फिर रहेगी। और ये तो सवाल अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी के भी जहन में नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, ये सिर्फ मीडिया के विचार विमर्श परामर्श में ये सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इस पर कोई बात करने का खतरा नहीं मोलना चाहता। हाँ आपको बड़ी तादाद में अलग अलग नेताओं के समर्थक जरूर मिल जाएंगे, जो कोई शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में अगर नारे लगा रहा है और दूसरा गुट वहां पर है तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर प्रकट हो। हालांकि अब से कुछ दिनों पहले की बात है जब दो गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए थे, हालांकि कुछ वैसी स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन हाँ जो तस्वीर सामने आई थी वो एक टकराव, एक दरार और एक पशुपेश की जरूर थी अंजना। बिल्कुल लगता है सारे जो नेता हैं वहां पर कतार में सब बोलने के बाद ही मौका लगेगा ज्योतिरादित्य का। और सिर्फ बाकी नेता और सिर्फ ज्योतिरादित्य क्या, शिवराज सिंह चौहान का भी इंतजार सब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उन्हें भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ ज्योतिरादित्य नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो सुनेंगे, तो सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के बारे में कुछ बोल सकते हैं या फिर शायद कोई और बात भी यहाँ पर कर दें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नंबर कब आता है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधन किया है, पार्टी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनका संबोधन है, एक मुमकिन है नरोत्तम मिश्रा की का संबोधन हो जाए,
तो कुल 5 ही समझ में आता है अंजना, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इनका भी संबोधन पूरा हो गया है और अब हम देखते हैं कि अगला मंच पर किसका स्वागत किया जाता है, किसके बोलने की बारी आती है, क्योंकि बहुत लंबे भाषण कोई दे नहीं रहा है, 5-5 मिनट के भाषण है, लेकिन चूंकि अगर इंतजार किसी एक व्यक्ति का होता है तो बाकी भाषण भी कुछ ज्यादा लंबे ही नजर सुनाई देने लगते हैं। बिल्कुल, और अक्सर राज्यों में जब इस तरह का आयोजन होता है तो सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भाषण देने वालों की जो लिस्ट है वो लंबी हो ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।